विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव संपन्न एवं सरकार बनने के बाद अब दबंग अपने मन मुताबिक वोट न देने के चलते विपक्षी मतदाताओं पर कहर बरपा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके परिजनों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट भी की। आरोप है कि गांव के दबंग प्रधान पीड़ितों से अपने मन मुताबिक मतदान कराना चाह रहे थे। यहाँ तक की पीड़ितों ने वर्तमान प्रधान व बताए गए पार्टी को वोट न देने पर मारपीट की जा रही है। इस संबंध में घटना की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र का है, ग्राम जलालपुर का है। इस गांव में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की बताई जा रही है, जबकि गांव में शाक्य जाटव व बाथम कठेरिया समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। इस गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह ने अपने छोटे भाई वीरपाल के साथ दावत खाकर शाम के समय घर पर जा रहे थे, तभी गांव के प्रधान के गुर्गे भी अनुज कुमार विशाल कुमार उन्हें गाली गलौज करने लगे। पीड़ित ने इसका विरोध किया और शिकायत करने पर ग्राम प्रधान कुलदीप पांडे के घर पहुंचे, तो वहां पर ग्राम प्रधान के अलावा मौजूद दिलीप पांडे, अनिल कुमार पांडे सहित भी उन्हें गाली गलौज करने लगे। तभी ग्राम प्रधान व उनके नामजदों उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित अपने आप को बचाने के लिए भागकर अपने घर पहुंचे, जहां पीछा कर रहे प्रधान सहित दबंगों ने घर में घुसकर उनकी व उनके घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी मारपीट करते हुए अभद्रता दी। आरोप है कि ग्राम प्रधान चुनाव के समय पीड़ितों के प्रधान को वोट नहीं दिए थे, तो वही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधान के मन मुताबिक वोट न देने पर प्रधान पहले भी कई बार गाली गलौज कर चुके हैं। हालांकि इस संबंध में दबे कुचले घायल पीड़ित घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना भोगांव पहुंचे, जहां पुलिस ने उनके द्वारा दी गई तहरीर को ना लिखकर स्वयं बनाई गई तहरीर पर हस्ताक्षर कराते हुए नामजनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया। वही समझ में क्षेत्राधिकारी भोगांव चंद्रकेश सिंह ने बताया कि पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, दबंगों के विरुद्ध जाँच करते हुए वैधानिक कार्यवाही की। रहने वाली हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अलका है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? जलालपुर की रहने वाली हूँ। मुझे डब्लू डॉक्टर ने, हाँ, और कुलदीप पांडे, हाँ, और दिलीप पांडे और अनुज पांडे ने घर में घुस के मारो है। अच्छा, क्या ये प्रधान के भाई हैं या आप खुद? हाँ, दो प्रधान के भाई हैं और पता नहीं घर परिवार के हैं। अच्छा, नहीं मालूम। तो क्या, क्यों मारा था? ऐसे ही हमारे अंकल जी खड़े थे तो पीछे साइड टिटुआ दाब के, हाँ, गिरा लिया, तो हम सब लोगों ने समझा कि बच्चों की लड़ाई हुई, हाँ, हम लोग भाग भाग के गए, तब तक वहाँ से इतने मोटे मोटे डंडा लेके अंदर तक घुसा है हमारे घर में। और ये बोल रहे थे कि जब से ये चुनाव हुआ है तब से हमारे हस्बैंड के पीछे पड़ेगी, इनकी जान ले लेंगे। अच्छा, क्यों? चुनाव से क्या संबंध था? ये वोटों पे, मतलब जो प्रधानी के वोटों पे खड़े हुए थे। अच्छा, तब से ये लोग जलते हैं। अच्छा, तो प्रधानी पे भी आपने उन्हें वोट नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, इस बार जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें भी नहीं दिया? अच्छा, मेरी मर्जी हम कहीं पर भी दूं। तो इसीलिए मारा है? हाँ, मुझे मारा है, मेरे साथ बहुत गलत किया। ठीक, अंदर घुस के घर पे चढ़ के, हम औरतें थी, आदमी थे भी नहीं। तो महिलाओं को भी साथ बदसलूकी की? हाँ, सबके साथ की, डंडों से। हाँ, डंडों से। जब ये लोग चले गए उनके द्वारे पे कहने के लिए गए, तो उन लोगों ने इन्हें उल्टा, जब ये लोग उल्टे मतलब कह के आ रहे थे पीछे से मारा है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, ये कह दिया कि रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। अच्छा, ये कह दिया। अच्छा, तो ये बताइए क्या मतलब जो ना ये भी रिपोर्ट में आप किसने, पुलिस ने लिखवाई थी या तुमने स्वयं लिख के दी है? नहीं, तो इसमें तो लिखवाई थी क्या? अच्छा, हाँ, तो इसमें तो केवल महेंद्र को घायल बताया गया है? हाँ, हमने लिख के दी थी, वो तो नहीं, वो है ही नहीं हमारे पास स्लिप ही। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से लिख के दी थी तुम्हें? नाम है आपका? अच्छा, आप जलालपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, किसने मारा था आपके भाई को और आपको भी मारा? क्या पूरा मामला था आप बताएं? आप कल्लू का लड़का था दुसान, हम कपड़ा उतारे, बिना टुटुआ पीछे दावलो, न लड़ाई ना धंगा कुछ ना मेरी। अच्छा, अपने आप पीछे टुटुआ दावलो। क्यों, क्या कारण था? मतलब कोई कुछ नहीं मिला था, पाई टुटुआ पकड़ लो भाई, फिर हम गए प्रधान जी के दिया, बैठो, हम बैठे, मैंने पाई छूट मैंने मान ली, आपने वोट नहीं दिया था?
इसमें जो ना चुनाव में। हाँ। तो क्या वो किस में वोट डलवाना चाह रहे थे वो? आपने किसको दिया था? साकेलो। अच्छा इसलिए वो इसीलिए मारा है? अच्छा। क्षेत्र के जलालपुर में एक घर में घुसकर मारपीट की गई और दबंगों ने जो ना एक पीड़ित को भी मारा। सर पूरा मामला क्या है? ये कल शाम 7 बजे की घटना है ग्राम जलालपुर में। ब्राह्मण पक्ष के कुछ लोगों ने गांव के महेंद्र शाह के साथ मारपीट की है। इस मारपीट में महेंद्र शाह को कुछ चोटें आई हैं जिनका CSC भोगांव में इलाज कराया गया है और महेंद्र शाह द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपका महेंद्र जी किस गांव के रहने वाले हो, कौन सा थाना है और पूरा मामला क्या है? आप कप्तान साहब के यहाँ क्या क्यों आए हो? हम जलालपुर के रहने वाले हैं आप, और हम वहाँ गए उनके द्वारा, उनने हमें मारू। किन्ने मारू है? प्रधान जी ने, उनके छोटे भैया ने दबल हुई। कौन है प्रधान और पांडे? क्यों मारा, क्या कारण था? हम साहब ऐसे ही गए थे और जो हमारे भाई खाए हम साहब इनके पीछे चले गए थे। हाँ, अपने भाई के? हाँ। अच्छा तो आपको मारा? हमें साहब मारू। अच्छा कुछ कहा नहीं क्यों मार रहे? सुना साहब।